हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि किसी भी नंबर को हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराने का प्रोग्राम सी लैंग्वेज में कैसे बना सकते हैं। बात करें सी लैंग्वेज में प्रिंट कराने के इस प्रोग्राम की, तो एक पहले भी प्रोग्राम मैंने बनाया लेकिन वो टर्बो आईडीई पर था, ये कोड ब्लॉक्स पर है। तो चलिए सबसे पहले हेडर फाइल लिख लेते हैं हम, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h, और यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेते हैं हम, ठीक है, इंट, इसलिए क्योंकि हम रिटर्न करवाएंगे इससे, ठीक है। अब यहाँ इंट टाइप की वैल्यू लेता हूँ a कॉमा b, b में इनिशियलाइज कर लेता हूँ 0, और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ c या r बना लेता हूँ, ठीक है, कोई भी। और यहाँ पर यूजर को स्क्रीन पे क्या मैसेज दिखाई पड़ेगा, यूजर को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा एंटर द नंबर्स, ठीक है, ये हमने किया। और इसके बाद अब वो नंबर यूजर एंटर करेगा, दैट्स वाई यहाँ स्कैनफ लगाया हमने, और परसेंट डी, ठीक है, और एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, ये लिख लिया हमने। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर लूप लगा सकते हैं, कोई भी लूप आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। फिलहाल मैं यहाँ वाइल लूप ही लगा लेता हूँ, और यहाँ पर ए की वैल्यू को हम नॉट इक्वल टू 0 ये यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से ही बनाई जाती है, और आर ले लेते हैं यहाँ पे, आर इज इक्वल टू ए मॉड्यूलो 10। अब ये मॉड्यूलो करके देख रहे हैं हम, ये मॉड्यूलो क्यों करके देख रहे हैं ये बात आपके समझ में अभी आएगी। बी इज इक्वल टू बी इन टू, अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 10 से मल्टीप्लाई करके, और जो इसका रिमाइंडर आएगा आर में जो वैल्यू स्टोर होगी उसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ इसमें, ठीक है। इसके बाद नीचे आएंगे और यहां पर a इज इक्वल टू a, a को डिवाइड करेंगे 10 से, क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलो नहीं करेंगे बल्कि डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहां डिवाइड कर दिया हमने 10 से, ठीक है, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। और यहां पे अब अपना आंसर हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ में, ठीक है, परसेंट डी इज द सीक्वेंस ऑफ अ रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, इतना लिख दिया हमने। और यहां पर वैल्यू किसमें स्टोर होगी, वैल्यू जाके स्टोर होगी बी में, ठीक है, किसमें स्टोर होगी बी में जाके स्टोर होगी, तो यहां साइड में हम क्या लिख देंगे बी लिख देंगे, बस कहानी खत्म, हमारा प्रोग्राम बन करके तैयार है, यहां रिटर्न 0 दे देंगे। अब ये समझते हैं कि ये जो 10 से डिवाइड करने की कहानी है ये मैं क्यों बार बार लगा रहा हूं। देखिए यहां पर 77 है, अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूं तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। एक्सेल में एक फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा कॉमन है, मॉड का फॉर्मूला, मॉड क्या करता है रिमाइंडर बताता है। तो अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करता हूं, जैसे सपोज कीजिए यहां 77 लिखा हुआ है, इसको डिवाइड करता हूं 10 से, तो मॉड वैल्यू जो आएगी वो इसका लास्ट डिजिट होगी। इसके राइट साइड में देखिए 7 है, ठीक है, यहाँ पे 7 आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं, मैं दिखा भी देता हूं, इसको 10 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 10 से डिवाइड किया रिमाइंडर क्या आया 7 आया। अभी मैं इसको चेंज करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं 54, ठीक है, तो अभी लास्ट में क्या है 4 है, तो रिमाइंडर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। अभी चेंज फिर से करता हूं 1066 करता हूं, तो लास्ट में क्या है 6 है, तो यहाँ पे क्या आ गया रिमाइंडर 6 आ गया। तो यही कहानी है, इसी वजह से मैं इसको 10 से मॉड्यूलो कर रहा हूं, ठीक है। आइए अब इसको सेव करते हैं, किसी भी नाम से सेव कीजिएगा लेकिन डॉट सी लगाना जरूरी क्योंकि सी लैंग्वेज की फाइल है। तो अब यहां से इसको हम कंपाइल करते हैं, तो सही कर लीजिए आप, कॉमा दीजिएगा यहां पे, यहां पे टर्मिनेशन नहीं रहेगा, बस और सब ठीक है। यहां से आप इसको कंपाइल करिए, कंपाइल हो गया और ये प्रोग्राम रन कर दीजिए, तो ये रन भी हो गया। अब इसमें हमको कोई भी नंबर एंटर करना है, 5678 ये एंटर किया हमने, जैसे एंटर करेंगे तो अब देखिए पहले 5 था 6 था 7 था 8 था, अब यहां 8765 ये सीक्वेंस आ रहा है 8765। चलिए इसी प्रोग्राम को हम दोबारा से रन करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यहां से दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। अब मैं लिखता हूं 7690, ठीक है, लास्ट में 0 है तो 0987 यही सीक्वेंस आना चाहिए, तो यहां पे देखिए 0 हटा दिया, 0 को ये काउंट नहीं करेगा, तो 987 ये सीक्वेंस आ रहा है कि नहीं। अब देखिए फिर मैं इसको दोबारा से रन करता हूं एक बार, ठीक है,
फिर कुछ और लिखते हैं, जैसे यहां लिखा मैंने 2 3 1 4, ठीक है, एंटर प्रेस करेंगे। देखिए इसके ठीक उल्टा वाला सीक्वेंस आएगा, देखिए ये है ना 2 3 1 4, तो 4 लास्ट में 4 1 3 2, तो यहां पे 4 1 3 2 आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम ये प्रोग्राम बना सकते हैं कि रिवर्स ऑर्डर में ये प्रिंट होकर आए। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।